तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 55, ठीक है ना। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन समझना, अगर क्वेश्चन समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा एक लाइन में। इसमें कह रहा है कि 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड, ठीक है ना। सॉल्यूशन प्योर एसिड सॉल्यूशन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड, मतलब कि दो प्रकार का एसिड हुआ होगा जिसे क्या किया गया, टू बी मिक्स्ड, जिसे मिलाया गया। दो प्रकार का एसिड हुआ, एसिड नंबर मान लीजिए एक प्रकार का और एक दूसरा प्रकार का, और दोनों को मिक्स करके एक नया एसिड बनाया गया मिक्स करके। तो पहला जो टाइप है उसका कितना क्वांटिटी लिया गया और दूसरा जो टाइप है उसका कितना क्वांटिटी लिया गया, यही बताना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। ये कहानी यहाँ से समझ में आया कि हमारे पास दो प्रकार का एसिड हुआ है ना, और यहाँ से आप समझिए कि 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर टू बी मिक्स्ड, मतलब जो पहला आप जितना भी क्वांटिटी लोगे एसिड का उसका पूरा पूरा मात्रा नहीं, एक्स का पूरा पूरा मात्रा नहीं, 90% ऑफ एक्स लिया गया, एंड दूसरा जो एसिड लोगे उसका कितना, 97% केवल, तो 97% ऑफ प्योर एसिड, और इन दोनों को मिला के एक नया एसिड बनाया गया जो कितना था, 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड, मतलब उस प्योर एसिड का 95% था, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड बी एक्स लीटर। मान लेते हैं कि जो पहला टाइप है एसिड का वो एक्स लीटर है, क्योंकि टोटल 21 लीटर है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ एसिड बी वाई लीटर, मान लिए है ना। दो प्रकार का एसिड था, पहला मात्रा एक्स लीटर है मान लीजिए, और दूसरा मात्रा वाई लीटर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए आपका टोटल जो एसिड की मात्रा है वो 21 लीटर है। देखिएगा 90% एंड 97% ऑफ प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू बी ऑब्टेंड 21 लीटर ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन, मतलब आपको टोटल जो सॉल्यूशन मिला है वो 21 लीटर मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो हमारा हो गया है 21 लीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बोला है कि 90% एंड 97%, तो इसका मतलब 90% ऑफ x का 90% एंड मिक्स्ड किया गया कितना अगला, तो 97% दूसरा एसिड का मिक्स किया गया, मतलब y 97% ऑफ y, और कितना बना लिया गया, तो वो बोला गया है 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड। 21 लीटर ऑफ मतलब 21 लीटर ऑफ मतलब तो आप जानती हो इनटू है ना 95%, 21 लीटर ऑफ 95%, तो 95%। अब इसको सॉल्व करिए सबसे पहले, तो परसेंटेज को कैसे लिखते हैं हम लोग, 90/100 इंटू एक्स प्लस 97% का मतलब बाई 100 इंटू वाई, क्योंकि ऑफ का मतलब इंटू, फिर 21 इंटू 95 और बाई 100, तो ये 100 जो है पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है। बहुत बढ़िया कट गया। अब देखिए यहाँ पे अब ये हो गया तुम्हारा 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 21 में अब आपका 95 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको एक लाइन में मल्टीप्लाई करने बताए थे ऐसे है ना, 5 का एक में 5 एकम 5, फिर 9 एकम 9, 5 दूना 10, 10 और 9 19,
हाथ में लगा एक, नौ दुना के 18 और एक 19, है ना। पाँच एकम पाँच, नौ एकम नौ, पाँच दुना 10, 10 नौ 19 को नौ, हाथ में लगा एक, नौ दुना 18 एक 19, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा 1995। अब जो है तुम्हारा ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो है तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, है ना, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 × x होगा और 90 × x होगा, ये घट जाएगा, गायब हो जाएगा। 97 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 97 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, लेकिन 97 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन है, रादर देन कि आप 90 से करो, है ना। तो चलिए, तो अब लिख देते हैं इक्वेशन 1 इंटू 90 और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 1, मतलब इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो 90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 90x प्लस 90y और इज इक्वल टू, 90 से गुना करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे और 9 से गुना कर दो तो 9 एकम 9, 9 दुना 18 और नीचे कितना हुआ तुम्हारा 90x प्लस 97y और इज इक्वल टू 1995। चलिए अब घटाते हैं, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, है ना, ये घट गया 97y माइनस में और 90 प्लस में, तो माइनस का 7y। और यहाँ पे देखिए 1995 माइनस में ज़्यादा है और 1890 घटाना है, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे और बचेगा माइनस में, तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 में से गया 0, तो यहाँ से आया वैल्यू तुम्हारा वाई का, माइनस माइनस तो कट जाएगा दोनों तरफ, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको काटो, अब 7 एकम 7, 3 और 5 7 5 35, तो वाई जो था मैंने सेकेंड टाइप ऑफ एसिड था वो 15 लीटर लिया गया, तो इसका मतलब टोटल मिला के तो 21 लीटर है ना, तो अब कितना बचेगा 6 लीटर। या फिर आप इक्वेशन 1 में इसको वैल्यू को डाल दो, तो इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 21, तो x निकालना है और y का वैल्यू 15, ये 21 है बराबर 21, तो x का वैल्यू हो जाएगा 21 माइनस 15, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 15 और 6 21। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे आंसर में, हमसे पूछा था कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड, तो लिख देंगे फाइनल आंसर में कि 6 लीटर एंड 21 लीटर है ना ऑफ एसिड टू बी रिक्वायर्ड फॉर मिक्सचर। इस मिक्सचर को बनाने के लिए 21 लीटर जो है 95% एसिड का 21 लीटर बनाने के लिए हमको 6 लीटर पहला एसिड चाहिए और दूसरा चाहिए 21 लीटर, तब जो है 21 लीटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप प्रिंट कर लें।